हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से उड़ान कॉम्पिटिशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब मेरे साथ जैसे मैं अच्छे अच्छे आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ, आपके लिए टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस ला रही हूँ, आई होप आप सब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे और धीरे धीरे आपकी चीज़ें भी कवर होती जा रही होंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अभी जो आपका ये टाइम पीरियड है ना, ये जो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, तो इसमें आप अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप एक अच्छी सी जॉब पा सकें। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो काफ़ी ज़्यादा लोगों की डिमांड थी कि मैम ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, तो आज मैं आपके लिए वही टॉपिक लेकर आई हूँ। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ ही अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। चलिए, हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या होता है, ब्लड रिलेशन। ये जो ब्लड रिलेशन है, इसके रिलेटेड सवाल एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो लोग रीजनिंग को पहले से सॉल्व कर चुके हैं उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस देखे होंगे, बट जो लोग पहली बार चीज़ों को देख रहे हैं उनके लिए टॉपिक नया हो सकता है। तो मैं आज आपको बहुत ही बेसिक चीज़ों से पढ़ाऊंगी कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, क्या होता है, मतलब ब्लड रिलेशन मतलब खूनी रिश्ते। ठीक है, जो हमारे जीवन में रिश्ते होते हैं, हमारे संबंध होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एग्जाम में आप कभी भी कोई एग्जाम देने जाओ ना, तो सबसे पहले रिलेटिव्स आके पूछते हैं कि भाई आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपके मार्क्स कितने आए हैं ना, या आपका अभी तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। लेकिन आपके उसके पीछे कितना मेहनत करनी पड़ती है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता, इन्हें बस आपको सिलेक्शन पाते देखना होता है। ठीक है, तो मैं आज क्या होगा, आज के टॉपिक में यही रिश्तेदार जो आपको हमेशा पिंच करते रहते हैं, आज आपको यही मार्क्स दिलाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ब्लड रिलेशन के अंतर्गत पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, जिनका जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें आपने नहीं जानी तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको जनरेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जनरेशन मतलब ब्लड रिलेशन में सबसे पहले तो आप अपने खुद आते हैं। ठीक है, मतलब स्वयं, ठीक है, सबसे पहले आप खुद आते हैं। ठीक है, फिर एक जनरेशन होती है हमारी जनरेशन, मतलब हमारी वाली पीढ़ी। तो हमारी वाली पीढ़ी में कौन से आते हैं, हमारी वाली पीढ़ी में आते हैं भाई बहन। ठीक है, भाई बहन किसी भी तरह के भाई बहन हो, वो चाहे मासी के बेटे हों, ठीक है, बुआ के बेटे हों, चाचा ताऊ के बच्चे हों, जितने भी कजिन्स होते हैं हमारे, वो सारे हमारे आते हैं हमारे सेम जनरेशन में। ठीक है, और सेम जनरेशन में कौन आता है, वाइफ या हस्बैंड। ठीक है, ये भी हमारी सेम जनरेशन में ही आते हैं। ठीक है, जैसे हमारे जितने भाई बहन हुए वो सब हमारी जनरेशन में, हमारे जितने कज़िन हुए, जितने भी मौसी के बच्चे, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे, ये सब सेम जनरेशन में, और जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो भी सेम जनरेशन में आते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या होता है, ब्लड रिलेशन में अगर आपको अपने सेम अपने साथ वाली जनरेशन है तो उसे आप इस तरह से मार्क करिए, ठीक है, ये साथ वाली जनरेशन को। ठीक है, और जो हमारे ऊपर जनरेशन होती है, ठीक है, उसे हम इस एरो से मार्क करते हैं। मतलब अब ऊपर की जनरेशन में आप बताइए कौन कौन आएगा ऊपर की जनरेशन में, ऊपर की जनरेशन में आते हैं हमारे पेरेंट्स। ठीक है, ऊपर की जनरेशन में कौन आता है, हमारे पेरेंट्स, माता पिता। ठीक है, पेरेंट्स में देखिए कई लोग आते हैं, माता पिता के साथ साथ चाचा चाची, ठीक है, ताई जी ताऊ जी, मामा मामी, ठीक है, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये सब कौन आएंगे हमारे ऊपर वाली जनरेशन में। ठीक है, काफ़ी सारे, आप चाहे तो मेरे साथ साथ अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो आप ये सब लिखते जाइए। ठीक है, मैं आपको बताती जा रही हूँ। ठीक है, चाचा चाची, ताई ताऊ, बुआ फूफा, मामा मामी, ठीक है, ये सब हमारे ऊपर वाली जनरेशन में आते हैं, मतलब पेरेंट्स वाली जनरेशन में। फिर पेरेंट्स से ऊपर की एक जनरेशन होती है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन कौन आते हैं, हमारे ऊपर की जनरेशन कौन होती है, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में दो ही लोग आते हैं, दादा दादी और कौन आता है, नाना नानी। ठीक है, ठीक है, ये हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे दो जनरेशन ऊपर, मतलब हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, और फिर पेरेंट्स के पेरेंट्स मतलब हमारे दादा दादी नाना नानी, ये आते हैं। ठीक है, फिर इनके ऊपर भी एक जनरेशन आती है जो कि बहुत ही रेयर आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती है। इनके ऊपर
ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मतलब हमारे जो दादी नानी हैं, दादा नाना हैं, उनके मम्मी पापा, ठीक है, वो आते हैं हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में। अब बात करिए हमसे नीचे की जनरेशन में, तो हमारे जस्ट नीचे की जनरेशन में कौन आएगा, उसे हम इस तरह के एरो से डिफाइन करते हैं। नीचे की जनरेशन, जस्ट नीचे की जनरेशन में को हम इस एरो से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमसे जस्ट नीचे की जनरेशन में कितने आएंगे, सभी बच्चे आते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं, फिर चाहे वो हमारे बच्चे हों या हमारे भाई बहन के बच्चे हों, हमारे कजिन्स के बच्चे हों, ठीक है, सारे बच्चे, जितने भी बच्चे आएंगे वो हमसे नीचे की जनरेशन में आते हैं, ठीक है। फिर उनके जनरेशन, उनके नीचे की जनरेशन में कौन कौन से आते हैं, हमारे नाती पोते, ठीक है, नाती पोते और नाती नातिन, ठीक है। और देखिए हमारे जो बच्चों की जनरेशन है इसमें कई लोग आ जाते हैं, जैसे बच्चे, ठीक है, फिर भांजा भांजी, ये भी बच्चे ही हो गए ना, भांजा भांजी, भतीजा भतीजी, ठीक है, ये सारे हमसे नीचे की जनरेशन में आते हैं, बच्चों वाली जनरेशन में, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रीजनिंग के, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि जब आप ग्रेड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उस चीज़ को याद रखते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। वो क्या होता है कि जब भी कोई मेल जेंडर हो, ठीक है, अगर कोई मेल जेंडर को आपको डिफाइन करना है, जैसे भाई, ठीक है, भाई या फिर कोई हमारा मामा का बेटा हुआ या कोई, तो उसे हम जितने भी मेल जेंडर हैं उनको प्लस से हम डिफाइन करेंगे। पिता हुए हमारे या बाबा हुए, ठीक है, या पोता हुआ या नाती हुआ, तो उसे हम प्लस से डिफाइन करेंगे। मतलब जहाँ जहाँ पे मेल आएंगे उनको हम प्लस से मार्क कर देंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पता चल जाएगा कि ये मेल है। और उसी तरह से फीमेल के लिए हम कौन सा मार्क का यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए हम माइनस का मार्क लगा देंगे, ठीक है। तो ये दो मार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहाँ जहाँ पे भी मेल का यूज़ हो वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ जहाँ पे फीमेल का यूज़ हो वहाँ पे आप माइनस करिए, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए इसको पहले ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। दया का भाई अमित है, ठीक है, पहली लाइन क्या है, जो दया है, दया का भाई अमित है, भाई है मतलब सेम जनरेशन में रहेगा, तो ये दया हो गई, और सेम जनरेशन को मैंने इस मार्क से बताया था ना, तो इस तरह से अमित, ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि दया का भाई अमित है। फिर क्या कहा गया है, दया चंद्रा का बेटा है, ठीक है, तो चंद्रा, दया जो है चंद्रा का बेटा है, मतलब अब चंद्रा नाम से तो क्लियर नहीं हो रहा है ना कि चंद्रा माता है या पिता है क्या है, तो अगर दया बेटा है मतलब चंद्रा के नीचे दया रहेगा और चंद्रा जो है दया के ऊपर वाली जनरेशन में आएंगी, तो दया के ऊपर जनरेशन में मैसेज कर देते हैं यहाँ पे चंद्रा हो गया, ठीक है। अब विमल चंद्रा के पिताजी हैं, मतलब पिताजी हुए, तो मैंने बताया ना पिताजी ऊपर की जनरेशन में जाते हैं, तो चंद्रा से ऊपर की जनरेशन में इनके कौन हो गए, ये विमल, विमल जो था ना चंद्रा के पिताजी थे ना, तो हमने विमल को ऊपर रख दिया। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो अमित का विमल से क्या संबंध है, ठीक है। अब देखिए विमल है और ये चंद्रा, मतलब विमल के जो बेटा या बेटी जो है वो ये चंद्रा हो गए, ठीक है, और चंद्रा का बेटा दया हो गया और दया अमित का भाई है, मतलब ये दोनों भाई भाई आपस में हो गए, तो अमित का विमल से क्या संबंध है। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि संबंध किसका निकालना है, अभी दादा पोते का संबंध हो रहा है, ठीक है, लेकिन दादा टिक करना है या पोता टिक करना है, क्या टिक करना है, चूंकि आपको एग्जामिनर आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही दे देता है, दादा भी पोता भी, तो आपको ये ध्यान रखना है जिस वर्ड के आगे का यूज हुआ हो, ठीक है, जैसे ये का लिखा दिख रहा है आपको, तो अमित का जिस वर्ड के आगे का यूज हुआ हो उसी वर्ड, उसी इंसान का संबंध बताना है कि वो क्या लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अमित का पूछा गया है, तो अमित क्या हुआ, अमित पोता हुआ ना, तो आपको इसीलिए ऑप्शन में दादा नहीं पोता टिक करना होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को काफी ज्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए आने वाले दिनों में और भी ज्यादा वीडियोस इंटरेस्टिंग लेकर आती रहूंगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कहा गया है, ई का पुत्र ए है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाम नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे जो है लेटर्स दे दिए गए हैं। ई का पुत्र ए है, अब पुत्र है तो नीचे की जनरेशन में जाएगा ना, तो ये ई है, ई का पुत्र है ए। अब ई का तो जेंडर क्लियर नहीं है, पर ए का जेंडर क्लियर है कि वो मेल है, पुत्र हुआ ना तो मेल हुआ, तो इसलिए हम ए को प्लस के प्लस यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या पढ़ते हैं, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, तो अभी तो पता नहीं बी को कहाँ बिठाएं या डी को कहाँ बिठाएं, तो नहीं कह सकते। फिर ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, अब देखिए ए का विवाह एफ के साथ हुआ है तो मतलब पति पत्नी हुए, तो पति पत्नी है सेम की जनरेशन में रहते हैं, तो यहाँ पे ए का विवाह किसके साथ हुआ है, एफ के साथ। तो अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गई, अगर ए मेल है तो विवाह हुआ है, पति पत्नी है, तो अगर ए मेल है तो एफ नॉर्मल सी बात है फीमेल होगी ना, तो इसलिए आपको पता चलेगा कि एफ है जो वो फीमेल, तो यहाँ पे माइनस का टिक कर ली, मार्क लगा लीजिए। फिर क्या बोला गया है, बी की पुत्री एफ है, ठीक है, बी का पुत्र डी है, फिर ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, बी की पुत्री एफ है। अब देखिए बी की पुत्री है एफ, तो एफ पुत्री है मतलब नीचे रहेगी और जो हमारा बी होगा वो ऊपर आएगा, तो बी को हमने यहाँ कर दिया और ये हो गई पुत्री। अभी बी का जेंडर क्लियर नहीं है, बी का जेंडर हमें इस लाइन से क्लियर होगा, बी का पुत्र डी है। अब बी का पुत्र हो गया डी, तो मतलब जस्ट नीचे आएगा डी, यहाँ पे आ गया आपका डी, पुत्र है मतलब प्लस, ठीक है। अब क्या बोला गया है, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी ए से कैसे संबंधित है। अब डी का पूछा गया है, डी क्या लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अब पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये ए था, ठीक है, ये भाई बहन हुए, सॉरी ये पति पत्नी थे, तो इनको एक बॉक्स में बंद कर दीजिए ऐसे, ठीक है। अब पत्नी का ये डी जो था भाई हो गया, ठीक है, और ये माता या पिता हो गए, तो अब डी का पूछा गया है ए से कैसे संबंधित है। तो पत्नी का भाई क्या हुआ, साला हुआ ना, तो इसीलिए जो ये होगा डी वो है साला, तो आपका साला जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई तस्वीर है, ठीक है, अब पता नहीं इस तस्वीर में कौन है, मेल है या फीमेल है, तो कुछ क्लियर नहीं है अभी। तो कहता कौन है, एक तस्वीर की इशारा करते हुए मिहिर कहता है, उसकी बहन, किसकी बहन, तस्वीर की बहन, ठीक है, उसकी बहन मेरे भाई, मतलब तस्वीर की जो बहन है वो जो मिहिर है, मिहिर के भाई मतलब सेम जनरेशन, मिहिर के भाई के पुत्र, मतलब भाई के पुत्र मतलब नीचे जनरेशन में आया पुत्र तुषार, ठीक है, तुषार की माता है, मतलब इसमें जो जो ये है इस चित्र में जो भी है, इस चित्र की जो बहन है वो मिहिर के भाई के पुत्र मतलब की माता है, मतलब मिहिर के भाई की पत्नी हो गई ना, ठीक है। तो अब पूछा क्या गया है, मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है, अब तुषार का संबंध मिहिर से, तो मिहिर और भाई का बेटा कौन हुआ, भतीजा हुआ ना, तो भतीजा आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो हिंदी में दे रखा है पर वहाँ पे कभी कभी जो है इंग्लिश में भी दे देते हैं, जैसे मदर फादर ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ इस तरह से भी दे देते हैं, ठीक है, और नेफ्यू नीस इस तरह से देते हैं। तो नेफ्यू का मतलब जितने भांजा और भतीजा, नेफ्यू में और नीस में भांजी और भतीजी, ये आप याद रखिए, इंग्लिश के वर्ड भी आपको याद होना जरूरी है। फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा, ठीक है, अब इसे रोहित नेहा है और एक कोई व्यक्ति है, तो मान लिया ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, रोहित ने नेहा से कहा, उसकी माँ मतलब इसकी माँ जस्ट ऊपर होगी, इसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब जो नेहा है नेहा के पिता कि इकलौती। अब देखिए जब इकलौती वर्ड का यूज हो, इकलौती वर्ड का काफी ज्यादा यूज होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है, इकलौती है तो मतलब नेहा ही हुई, ठीक है, तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, ठीक है, इसकी माँ, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, एक व्यक्ति को इशारा करते रोहित ने नेहा से कहा, उसकी माँ
तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब जो इस चित्र में जो जो ये व्यक्ति है इसकी माँ, मतलब तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब ये तो नेहा ही हो गई ना, इकलौती है तो नेहा के अलावा तो कोई और होगा नहीं। तो अब नेहा और इस व्यक्ति का संबंध माँ बेटे, माँ बेटा या माँ बेटी का हो गया, ठीक है। तो नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है? अब नेहा कौन हुई? नेहा इस व्यक्ति की, अगर ये व्यक्ति मेल है तो बेटी हो गई और फीमेल है तो बेटा, लेकिन व्यक्ति का नहीं पूछा गया है, पूछा किसका गया है? नेहा का वर्ड किसके साथ लगा है? नेहा के साथ। तो नेहा तो माँ ही होगी ना, तो इसलिए आपका जो बी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए, साथ ही आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, ठीक है। सुरेश जो है, ठीक है, और एक कोई आदमी है, जैसे ये आदमी मान लिया हमने, ये जो है आदमी। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है, मतलब ये जो है, ये व्यक्ति है, ये एक स्त्री का पुत्र है, ठीक है। स्त्री का पुत्र है तो इसके ऊपर ये स्त्री हो गई, स्त्री तो माइनस से मार्क कर देते हैं। स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है, मतलब सुरेश, ठीक है, सुरेश की माता, मतलब ऊपर माता के पति मतलब पिता हुए ना, की माता मतलब पति की माता के पति मतलब पिता की माता कौन हुई? दादी हुई ना। तो अब ये व्यक्ति है और दादी का पुत्र है, मतलब या तो ये पिता हो गए या तो ये चाचा हो गए, क्योंकि क्लियर नहीं क्या कहा गया है ना। अगर बोला जाता है इकलौता पुत्र है तो पिता ही जी हो जाते हैं, लेकिन इकलौता नहीं बोला गया, तो इसलिए ये जो है वो इस जो ये व्यक्ति है वो चाचा हुए उनके। अब पूछा क्या गया है? सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? अब सुरेश का लगाया गया है, ठीक है, सुरेश का बोला गया है। तो अब सुरेश वैसे तो भतीजा हुआ, लेकिन भतीजा ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए आपका जो है वो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पुत्र, क्योंकि पिता का हो तो भी पुत्र, और अगर पिता, अगर चाचा, चाचा से देखा जाए तो चाचा का भी तो बेटा ही हुआ, भतीजा है तो क्या हुआ, लेकिन है तो बेटा ही जैसा, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। अगर इकलौता हो जाता तो क्या हो जाता कि मतलब वो चाचा हो जाते, लेकिन यहाँ पे पुत्र होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ए और बी बहने हैं, ठीक है, ए और बी बहने हैं, तो हमने ए और बी को सेम जनरेशन में रख दिया। अब बहने हैं मतलब दोनों कौन हो गई? फीमेल। फिर आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हो गए, मतलब दोनों कौन है? मेल, तो प्लस से कर दिया। फिर ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी मतलब इसकी बेटी नीचे आएगी ना, ए की बेटी आर की बहन है, अभी बेटी क्लियर नहीं है तो आर की बहन है, तो क्लियर नहीं है तो इसलिए माइनस का मार्क कर दिया, बट लेटर नहीं लिखेंगे, आर की बहन है मतलब आर सेम जनरेशन में आएगा। फिर तो बी का एस से क्या संबंध है? अब बी का संबंध एस से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अभी तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। ए और बी बहने हैं, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है। अब देखिए आर और एस भाई थे ना, तो आर ये है, तो एस को हम इसके पास ला देंगे, ठीक है, आर और एस भाई हैं, ए की बेटी आर की बहन है। अब ए की बेटी जो है आर की बहन है, लेकिन आर का जेंडर तो क्लियर नहीं है, तो ये माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, तो बी का एस से संबंध पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए बी का एस से संबंध, तो बी जो थी वो क्या हो गई थी? मासी हो रही है ना, यहाँ पे माँ की बहन कौन हुई? मासी हुई ना, तो क्या होगा बी का, अब देखिए बी के आगे का लिखा है तो बी का पूछा गया है, बी कौन हो रही है? बी मासी हो रही है, तो इसीलिए मासी की, अगर मासी आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो आप आंटी टिक कर सकते हैं, क्योंकि आंटी के अंतर्गत कौन कौन आता है? आंटी आपके अंतर्गत आपका बुआ, ठीक है, चाची, ताई, ठीक है, मासी, ये सब आपकी जो है आंटी के अंतर्गत आती है। कई कई बार मतलब ये बुआ, चाची, ताई इस तरह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आंटी दे दिया जाता है, तो आपका आंटी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए पिंटू ने कहा, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है और इसकी इशारा करते हुए पिंटू ने बोला। पिंटू क्या कहता है? उसका इकलौता भाई, मतलब इस जो ये व्यक्ति है इसका इकलौता भाई, ठीक है, इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है, मतलब पिंटू की पुत्री
के पिता मतलब खुद पिंटू ही का पिता है, ठीक है, उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है? अब क्या बोला गया है, उस व्यक्ति का मतलब व्यक्ति का पिंटू से संबंध पूछा गया है। तो अब क्वेश्चन में क्या था, देखिए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए पिंटू ने कहा, उसका इकलौता भाई मतलब उस व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का पिता है। मतलब ये तो दादाजी हो गए, ठीक है, मतलब पिंटू के पिता और पिंटू की पुत्री के दादाजी। तो पिंटू के पिता का इकलौता भाई कौन हुआ, बाबा ही, तो मतलब पिता चाचा ही तो हुए ना, तो इसीलिए आपका मतलब पिता के भाई चाचा हुए। तो पूछा गया है उस व्यक्ति का पिंटू से क्या संबंध है। अब व्यक्ति कौन हुआ, व्यक्ति हुआ चाचा, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी जो है वो टिक करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, नेहा राजेश की बहू है, ठीक है, नेहा जो है वो राजेश की बहू है, तो राजेश है, ठीक है, अब बहू है मतलब राजेश का कोई बेटा होगा, उसकी वाइफ हो गई, तो नेहा जो है वो राजेश की बहू है, ठीक है, और नेहा राजेश की बहू है, रामू की भाभी है, ठीक है, अब रामू की भाभी हो गई, मतलब राजेश के दो बेटे हैं, एक तो जिसकी शादी नेहा के साथ हुई है वो, और दूसरा कौन हो गया, रामू, क्योंकि नेहा जो है वो रामू की भाभी हुई ना। फिर क्या बोला गया है, विपिन राजेश का पुत्र है, अब विपिन राजेश का पुत्र है तो विपिन यहाँ पे नेहा का पति हो जाएगा, ठीक है, विपिन को यहाँ पे रखिए, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, और रामू का अकेला भाई है, अकेला भाई है इसीलिए पति हुआ, क्योंकि अगर अकेला नहीं देते तो हो सकता है इनका राजेश का कोई तीसरा बेटा होता, ठीक है, तो जो कि अकेला दे दिया गया इसीलिए ये नेहा का ही पति होगा। फिर क्या बोला गया है, नेहा और विपिन के बीच क्या संबंध है, नेहा और विपिन के बीच पति पत्नी का संबंध है, तो यहाँ पे पति तो लिखा नहीं है, कुछ मिसप्रिंट हो गया है, तो इसीलिए पति लिखा नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए आप जो डी है वो पत्नी, इसको आप राइट ऑप्शन टिक करिए, ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, ए पुत्र है पी का, ठीक है, तो पुत्र है नीचे की जनरेशन में आएगा, ए पुत्र है पी का, ठीक है, फिर डी पुत्री है ए की, डी पुत्री है ए की, ए के नीचे आएगी डी, ठीक है, डी पुत्री है ए की, फिर ई बुआ है डी की, मतलब ई जो है वो बुआ है डी की, ठीक है, तो ये पिता हुआ ना, पिता की बहन, सेम जनरेशन है, पिता वाली जनरेशन में रहेगी, तो ये हो गया। फिर और सी पुत्र है ई का, अब देखिए सी पुत्र है ई का पुत्र कौन हो गया, सी, तो ये प्लस, फिर तो सी का, सी क्या लगेगा ए का, ठीक है, अब सी क्या लगेगा ए का, मतलब इसकी जो माँ है उसका ये भाई, मतलब ये कौन हुआ, मामा हुआ ना, ए मामा हो गया और सी वो क्या हो गया, भांजा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा, सी क्या लगेगा। अब देखो सी के बारे में पूछा गया है ना कि ए के बारे में, अगर ए पूछा तो ए मामा हो जाता, लेकिन पूछा क्या गया है, सी का, तो सी कौन हुआ, भांजा, इसीलिए आपका जो बी है भांजा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है, ए और बी भाई हैं, ठीक है, ए और बी भाई हैं, दोनों मतलब मेल ही हुए, ठीक है, तो ए और बी सेम जनरेशन रखिए, इनको आप प्लस से मार्क करिए, ए और बी भाई हैं, फिर सी और डी बहने हैं, ठीक है, सी और डी बहने, लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है ना, तो इन्हें एक सेकंड के लिए हम इसको ड्रॉप करते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट लाइन, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र, इसका पुत्र नीचे आएगा, ए का पुत्र डी का भाई है, इसका पुत्र हो गया, डी का क्या हो गया, भाई है, लेकिन अभी डी का जेंडर क्लियर नहीं है। अब देखिए सी और डी बहने हैं, इसकी जस्ट ऊपर वाली लाइन अगर पढ़ेंगे आप तो जेंडर क्लियर हो जाएगा, सी और डी बहने हैं, तो सी भी फीमेल और जो डी है वो भी फीमेल। अब पूछा क्या गया है, तो बी तथा सी में क्या रिश्ता है, अब आपको बी और सी में रिश्ता पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगर ये ए और बी भाई थे ना, तो भाई के बच्चे, भाई की ये बेटी, ए की बेटी हो रही है ना ये सी, तो भाई की बेटी कौन हो गई, भाई की बेटी हो गई भांजी। बी तथा सी में क्या रिश्ता है, ठीक है, अब देखिए लेकिन बी कौन हुआ, बी हो गया चाचा, चाचा भांजी का रिश्ता है, लेकिन भांजी तो दिया नहीं गया है, तो इसलिए आप चाचा जो है उसको टिक करिए, तो आपका जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यदि बी ए का भाई है, ठीक है, ए का भाई कौन हो गया, बी,
बी ए का भाई है, मतलब जो बी का है वो जेंडर क्लियर हो गया। सी ए की माँ है, अब देखिए माँ है मतलब ऊपर जाएगी, तो सी ए की माँ है मतलब सी जो है वो फीमेल हो गई। फिर डी सी का पिता है, अब डी जो है वो सी का पिता है मतलब सी के ऊपर जनरेशन में जाएगा, डी पिता है तो इसे आप प्लस से मार्क करिए। फिर ई ई डी का पिता है, ई जो है वो किसका पिता है, डी का, ई जो है वो डी का पिता है तो ई को आप यहां बनाइए। फिर तो बी तथा डी में क्या रिश्ता है, अब रिश्ता किससे पूछा गया है, बी और डी में, ठीक है। तो देखिए इनके ये बच्चे सी जो थी बेटी हो गई, और बेटी के बच्चे क्या हो गया, नाना और नाती का हो गया ना, लेकिन नाना और अब पूछा क्या गया, बी का डी से क्या संबंध है, अब बी का किसके साथ लगा है, बी के साथ, तो बी कौन हुआ, अब ये जो कि मेल है, ये मेल है ना, तो या तो नाती या तो पोता, लेकिन नाती तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसीलिए पोता जो है आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है, मतलब राजेश के कोई आगे महिला बैठी है, उससे बोलता है कि वह मेरी पत्नी के पति, मतलब राजेश है जो, राजेश की पत्नी का पति मतलब खुद राजेश, ठीक है, खुद राजेश पत्नी के पति की माँ, मतलब माँ मतलब राजेश की माँ की बेटी है, मतलब राजेश की माँ की बेटी है, मतलब राजेश की बहन हुई ना, इनकी बेटी हो गई, तो राजेश की कौन हुई, बहन। उस महिला का राजेश से क्या संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, राजेश अपने आगे बैठी हुई महिला को बताता है कि वह मेरी पत्नी के पति, मतलब खुद राजेश की माँ की बेटी है, मतलब राजेश की माँ की बेटी हुई, कौन हुई, बहन, तो उस महिला का राजेश से क्या संबंध है, वो महिला राजेश की कौन हुई, बहन हुई, तो इसीलिए बहन आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 13, और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए ब्लड रिलेशन का एक और प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगी जिसमें इससे थोड़े से हाई लेवल के सवाल होंगे, तो वो भी आप प्लीज देखिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए अपने व्हाट्सएप इंस्टा FB अकाउंट पे, ओके। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, सी बी की माता है, ठीक है, बी की माता हो गई, सी माता है तो इसे माइनस से मार्क करिए, ए बी की बहन है, अब ए जो है वो बहन हो गई, मतलब बी के सेम जनरेशन में आएगी, बहन है तो माइनस लगा दीजिए, और डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है, मतलब सी के ऊपर जाएगा, पिता है तो प्लस से करिए। फिर ई सी का पिता है की माता, देखो क्वेश्चन क्या था, सी बी की माता है, ए बी की बहन है, और डी सी का पिता है की माता है, ई तो डी का, डी तो ए का डी से क्या संबंध है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो रहा है, इसमें यहाँ पे ए बी की बहन है और डी सी की माता है, सी का पिता है, और डी जो है वो सी का पिता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी की माता है, ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखिए जो ये की लगा है ना, इससे पहले आप डी लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, तो यहाँ पे आपका डी आएगा। अब क्वेश्चन देखिए आपका सही बन गया, सी बी की माता है तो सी बी की माता बन गई, फिर ए बी की बहन है, ए बी की बहन हो गई, और डी सी का पिता है, डी सी का पिता हो गया, फिर डी माता है ई, डी की माता है ई, डी की माता कौन हो गई, ई, मतलब इसके ऊपर जाएगी यहाँ पे ई, तो डी का ए से क्या संबंध है, अब देखिए डी का ए से क्या संबंध है, अब देखिए जो बी है ना, ये भाई बहन, मतलब ये बी का तो जेंडर क्लियर नहीं था, तो ये तो भाई भी हो सकता है और बहन भी ए का, ठीक है, लेकिन जो ये अगर बी की माता सी है तो ए की माता भी सी हुई ना, माता का पिता कौन हुआ, नाना, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था, ए का डी से क्या संबंध है, ए का संबंध पूछा गया था कि ए कौन है, तो ए कौन होगी, नातिन हो रही ना, लेकिन नातिन अगर आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो आप पोती भी टिक कर सकते हैं, ठीक है, तो आपका जो सी है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर।
आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए। और ताकि इससे क्या होगा, अगर आप बेल बटन को प्रेस करेंगे तो हम रिलेटेड जो भी वीडियोज आपके लिए लाएंगे वो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी।